दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ने आपको जीवन में कम दिया है और दूसरों को आपसे अधिक दिया है? यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। तभी उस कौवे का आंसू संत के ऊपर गिरा और संत का ध्यान कौवे पर गया। संत ने कौवे से पूछा, क्या बात है मित्र, आप रो क्यों रहे हैं? कौवे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा रंग काला है। मेरे रंग के कारण सब लोग मुझे अशुभ समझते हैं और घृणा करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह के जीवन से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत को दया आ गई और उसने कहा, देखो मित्र, उदास मत हो। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कौवे ने कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। संत ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाकर हंस से पूछ लो, क्या वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है? मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूं। कौवा उड़कर हंस के पास पहुंच गया और कहा, हंस, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रंग दूध सा सफेद है, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? हंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास केवल सफेद रंग है। सफेद भी कोई रंग होता है भला? लोग यह रंग किसी के मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है क्योंकि उसके पास प्रकृति के सारे रंग हैं। काश मैं तोता होती। यह सुनकर कौवा उड़ा और तोते के पास पहुंच गया और कहा, ओ तोता, तुम बहुत सुंदर और रंग बिरंगे हो, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होना। तोते ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझसे भी ज्यादा रंग मोर के पास है। मेरे ख्याल से मोर इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है। काश मैं मोर होती। यह सुनकर कौवा उड़ा और मोर के पास पहुंच गया और कहा, ओ मोर, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पास प्रकृति के सारे रंग हैं, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होना। मोर ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरी इस सुंदर पंखों के कारण ही लोग मेरा शिकार करते हैं। उसके बाद मेरे शरीर से पंखों को नोचा जाता है जिससे घर सजाने के सामान बनते हैं। मेरी सुंदरता के कारण ही लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, इसीलिए मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। यह सुनकर कौवे को धक्का लगा और उसने मोर से पूछा, यदि आप खुश नहीं हो तो आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया कौन है? मोर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से तुम कौवा इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया हो क्योंकि लोग तुम्हारा शिकार नहीं करते हैं, कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करता है, तुम बिना किसी डर के कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं है। काश मैं भी कौवा होती। यह सुनकर कौवा उड़ गया और संत के पास आकर कहा, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई, अब मुझे कुछ और नहीं बनना है, मैं जो हूं उसमें ही खुश हूं। दोस्तों, उस कौवे की तरह हम भी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं क्योंकि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है पर दूसरों के पास है, लेकिन हम यह नहीं देखते जो हमारे पास है वह दूसरों के पास भी तो नहीं है। दोस्तों, याद रखना, जीवन में आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर और अधिक जरूर होगा। यदि आप हर किसी से तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। यदि करो तो खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए करो, जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते समय। कृपया इस कहानी को
अपने बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।